बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फंक्शन ऑफ एक्सेसरी गैंट, लिवर और पेंक्रियास की बात की थी और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट टाइम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज ड्यूडेनम। आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स हैं जेजुनम एंड इलियम। चलिए आए पहले हम इनका कंपैरिजन कर लें। तो देखिए बच्चों, जेजुनम और इलियम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको फिगर्स देखकर पता चल रहा होगा, नंबर्स के थ्रू पता चल रहा होगा कि इन दोनों में से लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, और आप देख कर आसानी से बता सकते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। आपको ये तो याद ही है ना कि जो टोटल लेंथ थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट इज 6 मीटर। और हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे थे जेजुनम की लेंथ की, दिस इज अराउंड 2.4 मीटर और इलियम की लेंथ है 3.6 मीटर। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर विड्थ की। तो कहा जाता है कि जेजुनम इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू इलियम। ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें कि जेजुनम के अंदर जो फोल्ड्स का नंबर होता है ज्यादा होता है। ये आपको फोल्ड्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो रेड कलर की म्यूकोसल लाइनिंग है, दीज आर द फोल्ड्स। ये फोल्ड्स ज्यादा कहां पर होते हैं, जेजुनम में, और कम किसमें होते हैं, इलियम में। इसी तरह से अगर हम इनकी थिकनेस की बात करें फोल्ड्स की, तो दीज फोल्ड्स आर मोर थिकर इन द जेजुनम एंड लेस थिक इन द इलियम। और अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो जेजुनम का काम है ये एब्जॉर्ब करता है फुली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और इलियम का काम क्या है, जो भी नॉन एब्जॉर्ब मटेरियल था जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो जो कुछ भी रह गया रेस्ट ऑफ द मटेरियल, वो सब का सब एब्जॉर्ब कहां पर होगा, इलियम के अंदर। लाइक विटामिन B12 या डिफरेंट टाइप के बाइल सोर्स, उनकी एब्जॉर्प्शन अब कहां पर होगी, इलियम में। तो ये तो हमने बात कर ली इसके पार्ट्स के, उनका कंपेरिजन डिस्कस कर लिया बच्चों। ये तो हमने बात कर ली पार्ट्स की, और पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए जुडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब बारी आती है कि क्या इन पार्ट्स के अंदर अभी भी डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जुडिनम में तो हमने डाइजेशन डिस्कस कर ली थी और उसमें हमने बात की थी बाइल जूस की और पेंक्रियाटिक जूस की। इन दोनों जूसेस के अलावा भी क्या कोई ऐसे जूसेस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर है यस, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टिनल जूस। और इस इंटेस्टिनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर अभी भी कोई मटेरियल ऐसा रह गया हो जो कि कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो दैट विल बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टिनल लाइनिंग और इंटेस्टिनल जूसेस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स की। आपको आइडिया होगा पॉली का मतलब होता है मैनी, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन द टू एमिनो एसिड्स। तो ये देखें जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द एमिनो एसिड, और उनके दरम्यान जो लाइंस हैं, दीज आर द बॉन्ड्स। पॉलीपेप्टाइड्स, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन द एमिनो एसिड्स। तो इतने सारे पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। और रिकॉल करें कि हमने इससे पहले जब डाइजेशन पढ़ी थी, तो कौन कौन सी जगह पर हमने बात की थी कि प्रोटीन्स की कन्वर्जन हो रही है पॉलीपेप्टाइड्स में, और कौन से एंजाइम वर्क कर रहे थे। आपको यकीनन याद आ गया होगा कि जो एंजाइम्स काम कर रहे थे प्रोटीन्स पर और उनको कन्वर्ट कर रहे थे पॉलीपेप्टाइड्स में, उनका नाम था पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो बच्चों याद रखें, ये पॉलीपेप्टाइड तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, दिस इज क्वाइट लार्ज। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेसिक यूनिट में। और आप सबको आइडिया है कि प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड। तो इन पॉलीपेप्टाइड्स को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लाया जाएगा। देखिए पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट होंगे डाइपेप्टाइड्स में, और कौन सा वाला एंजाइम काम कर रहा है, एमिनो पेप्टाइडेज, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इसके सिंपलर फॉर्म में, विच इज अ डायपेप्टाइड। डायपेप्टाइड मीनिंग हैविंग टू एमिनो एसिड्स जो कि कनेक्टेड होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड से। अब बात यहां पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि डायपेप्टाइड आसानी से ब्लड में नहीं जा सकता, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन में। और आप सबको याद है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन इज द एमिनो एसिड। तो अब इस डायपेप्टाइड के ऊपर काम करता है एंजाइम, दैट इज एरेप्सिन।
और डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन दैट इज द एमिनो एसिड। तो देखिए बच्चों, सफर शुरू हुआ था प्रोटीन से और प्रोटीन से लाकर हम उसको एंड अप कहां पे कर रहे हैं, एमिनो एसिड पे, क्योंकि एमिनो एसिड ही वो पार्ट है फूड का जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो देखिए कितने एंजाइम से वर्क किया, पेप्सिन ने, काइमोट्रिप्सिन ने, ट्रिप्सिन ने, एमिनो पेप्टाइडेज और रिप्सिन ने, और इन सब के एक्शन के बाद अब प्रोटीन का लार्ज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, बेसिक यूनिट दैट इज द एमिनो एसिड। फिर हम बात करते हैं फैट्स की। आपको याद होगा हम फैट्स की डाइजेशन भी इससे पहले पैंक्रियाटिक जूस में बढ़ चुके हैं और हमने बात की थी वहां पे पैंक्रियाटिक लाइपेज की जो कि फैट्स को कन्वर्ट कर रहा था फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल में। यहाँ पे भी हम डिस्कस करें कि अभी भी कोई रिमेनिंग फैट्स है तो अब इंटेस्टिनल लाइनिंग के एंजाइम्स यानी कि लाइपेज जो कि इंटेस्टिनल लाइनिंग से सिक्रीट हो रहा है वो फैट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंपल फॉर्म में विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैट्स दैट इज द फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इसी तरह से रिकॉल कीजिएगा हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माउथ के अंदर प्रेजेंट था सलिवरी एमाइलेज, पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इन दोनों ने काम क्या किया था कि कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च कन्वर्ट किया था डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज में। माल्टोज अभी स्लाइड नहीं हुआ कि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सके, तो अब इस माल्टोज को जो कि डाइसैकेराइड है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मोनोसैकेराइड में। तो माल्टोज के ऊपर काम करता है एंजाइम माल्टेज और कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में। माल्टोज फॉर्म होता है दो ग्लूकोज की यूनिट से कंबाइन होने से, तो ये एंजाइम इसको ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, टू यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में। नेक्स्ट वन इज द लैक्टोज विच इज द मिल्क शुगर, दिस इज अगेन द डाइसैकेराइड। आपको यहाँ छोटी छोटी डायग्राम से भी आइडिया हो रहा होगा, ये जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है इसके ऊपर फिर एक एंजाइम काम कर रहा है लैक्टेज और इसको भी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स पे या मोनोमर्स में कन्वर्ट कर रहा है एंड दैट इज द ग्लूकोज एंड द लैक्टोज। तो आपने देखा कि जब हम बात कर रहे थे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की तो हमने यहाँ पे डाइजेशन की बात की, कंप्लीट डाइजेशन हो गई यहाँ पर, जो डाइजेशन स्टार्ट हुई थी माउथ से अब हम उसको लाके कंप्लीट काम पे कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल अपने बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये तो होगी बात डाइजेशन की, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होगा। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट फंक्शन को शुरू करने से पहले एक दफा रिकॉल कर लीजिए, हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इनमें स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या होती है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे फोल्ड्स ज्यादा होते हैं कहाँ पर फोल्ड्स कम होते हैं। और आए जब हम अभी इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है। अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखें तो हमें क्या क्या पार्ट्स नजर आ रहे हैं। आपके सामने ये डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर की। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर को आप जरा गौर से देखें, आपको इंटरनली ये रेड कलर की लाइंस म्यूकोसल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ये जो आपको इंटरनल कैविटी नजर आ रही है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ल्यूमेन। मे बी आपको भी ज्यादा क्लियर ना हो रहा हो, चलिए ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं इसका इतना सा पार्ट इनलार्ज करके आपको दिखा रही हूँ कि ये फोल्ड्स कैसे होते हैं और इन पर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए अगर हम इतने से पैच को थोड़ा सा इनलार्ज करके देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ये सारे वही स्ट्रक्चर्स हैं, सारी वही लेयर्स हैं जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा सबसे आउटर लेयर सीरोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर प्रेजेंस होती है सब म्यूकोसा की और इंटरनल लाइनिंग के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, म्यूकोसा। म्यूकोसा पे आपको ये बहुत सारे फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द फोल्ड्स। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये फोल्ड्स कितने हैं और इन फोल्ड्स पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बच्चों आप नोटिस कर सकते हैं कि इन फोल्ड्स के ऊपर ये आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के लिए टर्म यूज की जाती है विलाय और इसका सिंगुलर होता है विलस। फिर से सुन लीजिए, इन फोल्ड्स पर म्यूकोसल लाइनिंग पर ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं इनके ऊपर भी आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस या प्रोजेक्शंस नजर आ रही है जिनके लिए हम टर्म यूज करते हैं विलाय। इन विलाय का काम क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं।
जितने ज्यादा विलाए होंगे, माइक्रो विलाए होंगे, वो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो और आसानी से कंप्लीट होगा। विलाए यहाँ पर आपको बहुत छोटे साइज में नजर आ रहे होंगे। चले हम विलाए के स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो हमें क्या नजर आता है। आपके सामने इनमें से एक विलस को बड़ा करके दिखाया गया है। जब हम एक के लिए बात करेंगे तब हम टर्म यूज करते हैं विलस, जब हम बहुत सालों के लिए बात कर रहे थे तब हम टर्म के यूज कर रहे थे विलाए। अब हम एक विलस को देख रहे हैं। जब हम एक विलस को देखते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर इसमें मेनली नजर आएंगे वो थ्री है। ये जो आपको आउटर लाइनिंग नजर आ रही है वन सेल तक, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एपिथेलियल सेल, और इसके लिए दूसरी टर्म के यूज की जाती है ब्रश बॉर्डर। आपके सामने इस एपिथेलियल सेल को बड़ा भी करके दिखाया गया है। एपिथेलियल सेल सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो ऊपर की तरफ आपको सीलिया नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज द ब्रश बॉर्डर, और इनके लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रोविलाए। तो बच्चों याद रखिएगा, ये विलाए और माइक्रोविलाए इनका काम क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्प्शन भी आसान हो जाएगी। सेकेंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज आपको ब्लू और रेड में नजर आ रही हैं। दीज आर द वेन्स एंड आर्टरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनका काम क्या है, ये सिंपल या वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि सिंपल शुगर्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये डायरेक्टली किसके अंदर आ जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में। तीसरा पार्ट जो विलस का है ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, दिस इज लैक्टील। लैक्टील क्या है, दिस इज द वेसल ऑफ द लिम्फैटिक सिस्टम, और लैक्टील के अंदर वो वाले सारे कंपोनेंट्स जो कि लार्ज साइज के होते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो कंपोनेंट जो है वो किस पे जाके अब्सॉर्ब होते हैं, लैक्टील में। तो ये हमने अभी थ्री पार्ट्स देख लिए। यहीं पर आपको इस विलस के अंदर नीचे की तरफ ये क्रिप्ट्स नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ ये आपको कैविटीज सी नजर आ रही हैं। इन क्रिप्ट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकून, और इनका काम क्या होता है, ये इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और ये ओवरऑल पूरे के पूरे इंटेस्टिनल लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं। यहीं पर आप नोटिस कर सकते हैं, अगर आप एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को देखें, मैंने एमिनो एसिड्स को शो किया है ग्रीन कलर से, ग्लूकोज को शो किया हुआ है ब्लैक कलर से, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को शो किया हुआ है रेड से, और लार्ज फैटी एसिड्स को शो किया हुआ है ब्लू इन कलर से। सिर्फ आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्मॉल इन साइज हैं। ये डायरेक्टली कहां पर मूव करते हैं, दे ऑल मूव दीज थ्री, ये सब के सब मूव करके डायरेक्टली कहां पर आते हैं, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होंगे और हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लिवर में फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन अगर हम लार्ज फैटी एसिड्स की बात करें तो देखिए ये कहां पर जाकर एंटर हो रहे हैं, कहां पर जाके पास किया जा रहा है इनको, Inside the lacteal, which is the duct of lymphatic system, और इनको फिर कहां पे सेंड किया जाता है, towards heart, और वहां पे जाके अपने process को complete करते हैं। आए हम एक दफा इसको flowchart के through भी study कर लेते हैं। जी बच्चों, तो अब हम flowchart के through relate कर लेते हैं diagram को। This is the small intestine, जिसकी internal lining थी mucosa। उस mucosa पे बहुत सारे folds present थे, और उन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे जिनके लिए हमने टर्म के यूज किए थे विलाए। विलाए कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स पर। सिंगुलर के लिए हमने टर्म यूज किए थे विलस। द फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल सेल्स, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, जिनमें के ब्रश वॉटर भी प्रेजेंट थे या माइक्रो विलाए प्रेजेंट थे, और इनका फंक्शन क्या था, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड पार्ट इज द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में देखें एब्जॉर्प्शन किसकी हुई थी, वाटर सॉल्युबल मटेरियल की, या सिंपल शुगर्स, एमिनो एसिड्स, या शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की। और यहां पर एब्जॉर्ब होने के बाद इनको हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां पे सेंड कर दिया गया था, टुवर्ड्स लिवर। थर्ड पार्ट इज द लैक्टील। हियर इज द लैक्टील व्हिच इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लार्ज फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स एपिथेलियल सेल को क्रॉस करते हुए कहां पर आते हैं, लैक्टील के अंदर, और यहां लैक्टील में आने के बाद इनको कहां पर सेंड कर दिया जाता है, टुवर्ड्स हार्ट, और वहां पर ये हाइड्रोलाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
तो क्लास ये तो हमने डिस्कस कर लिया एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया यूजफुल था बॉडी के लिए वो तो ब्लड में चला गया एब्जॉर्ब हो गया। अब या तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ या फिर वो लैक्टेरियल लिम्फैटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड जिसकी कि बॉडी को जरूरत नहीं है दैट विल मूव इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन और वो किससे पास करता हुआ यहाँ पर आएगा, आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्फिंक्टर नजर आ रहा होगा इलियोसेलिक स्फिंक्टर, दिस इज बिटवीन द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड द सीकम या लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ ये एक जंक्शन होता है, एक स्फिंक्टर होता है विच इज द रिंग ऑफ मसल्स, इसे क्रॉस करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो क्लास आज हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, होपफुली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।